सत श्री अकाल साथियों, कुछ दिन पहला पंजाब के गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने सवाल की पूछ लिया। सारी आम आदमी पार्टी ते सरकार नू वक्त पिया खड़ा है। सवाल पूछा सीगा गवर्नर साहब ने, वो सवाल पूछा सी जिहड़ा पंजाब के लोगों नू पूछना चाहिए सीगा कि आ जिहड़ा 50,000 करोड़ का कर्जा जी जिहड़ा तुसीं चढ़ाया पंजाब दे उत्ते, पार्टी ते सरकार नू वक्त पिया खड़ा है, पैसा लग्गिया कित्थे है? भगवंत मान जी तो जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार तो जवाब लोग पूछने लगे। अज साथियों मैं कुछ जवाब देना चाहना पंजाब की जिहड़ी वित्तीय हालत है उसनूं लैके, क्योंकि हुण तां पिछले 1.5 साल के करीब जदों दी इहनां दी सरकार बनी है, सरकार इक्को गल कह रही है कि पंजाब कोल पैसिआं दी कोई घाट नहीं। इह उही आम आदमी पार्टी के लीडर है जिहड़े इलैक्शनां तों पहलां कहिंदे सी असीं कर्जा होर नहीं चढ़ाणा पंजाब ते, असीं आपे आप माली साधन इकट्ठे करांगे, चाहे उह दारू वेच के, चाहे उह रेता वेच के, चाहे स्टोन क्रशिंग तो लैके असी 1,000 करोड़ रुपया 50,000 करोड़ रुपये के करीब उन्होंने टीचर रखा सी, असी पैसे हर साल एक्सट्रा इकट्ठे करांगे। अज मैं थोनू साथियों कुछ गल्लां दसना चाहना, तो क्योंकि नाम आम आदमी पार्टी ने हाईजैक कर लिया, इस करके मैं आम आदमी पार्टी की जबान से कुछ गल्लां थोड़े नाल सांझी करांगे, जिहड़े आपां पिंड दे सत्थां च बैठ के गल करदे हां, जिस जबान जिस भाषा से आपां समझदे हां, क्योंकि GDP या GDSP या मैं कोई फाइनैशियल डैट या कोई फिस्कल डेफिसिट या रेवन्यू डेफिसिट की गल करा तो मार्केट मेरे वर्गा कोई समझता नहीं उस गल। अज गल होगी भी थोनू मैनू आम आदमी पार्टी की सरकार टांका कि ला रही है, मैं वो गल करूँगा। साथियों जी सरकार कहती सी भी कर्जा नहीं चकना, असी तो दारू बेच के कट्ठे कर देंगे 50,000, रेता बेच के कर देंगे 50,000 कट्ठे। वो पार्टी अज के दिन 100 करोड़ रुपया रोज कर्जा लै रही है। दोबारा सुन लियो कि थोड़ा ए लगे भी सुनील को गलत तो नहीं कह गया, 100 करोड़ रुपया रोज की औसतन आ रही है पंजाब सरकार भगवंत मान जी की सरकार पंजाब के उत्ते कर्जा चाढ़ रही है। जेडे इस फाइनैशियल ईयर जेडे कि मार्च एंड तो लैके जुलाई के आखिर तीन 120 दिन जेडे गुजरे है, उहदे आंकड़े जिहड़े मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, 12,000 करोड़ रुपया इन्हां ने यह 120 दिनां दे अंदर 4 महीनों के अंदर 120 दिनां दे अंदर 12,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया है। आ सवेरे कहणगे वी सुनील जाखड़ झूठ बोलदा है, मैं असल फिगर दस दिंदा 11,718 करोड़ रुपये 11,718 करोड़ रुपये। आ सुनील जाखड़ नहीं कह रहे, आ जिहड़े आंकड़े आ तुसीं वी वैब ते खोल लो, आ प्रिंसीपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब ANE जिन्हां दे आंकड़े आ तुहाडे कोल सामने वैब ते अवेलेबल है, तुसीं सारे कढ के देख लो। रोज दे 100 करोड़ रुपये आ जिहड़े चढ़ रहे, तुसीं कहोगे मैनू की, मैनू इहदे की है, सरकार जे लई जांदी है लैंदा रहे। साथी इहदा मतलब है तकरीबन हरेक पंजाबी दे उत्ते, चाहे वह बच्चा है, चाहे वह 1 महीने का जवाक है, चाहे वह 60 साल के बजुर्ग है, 80 साल के बजुर्ग है, करीबन 12,000 करोड़ रुपया हरेक बच्चे तो लैके हरेक बजुर्ग तई उन्होंने उत्ते पंजाब के अंदर 12,000 करोड़ रुपये सालाना का कर्जा आ पंजाब सरकार थोड़े नाम के उत्ते चकी जाती है। तो देती की है, कहते हैं लोगों को मुफ्त दे जाने, एक परिवार को एक घर के अंदर 1,000 रुपये कोई चीज़ मुफ्त देंगे है, तो पंजाब घर के अंदर जेकर 4 जी है, मियाँ बीबी 2 बच्चे उन्होंने ना दे तो 50,000 करोड़ रुपया तो इन्होंने चक लिया कर्जा थोड़े ना पे, ये दे रहे थोनू 1,000 रुपया तो लोगों को बेवकूफ बना रहे, निरा झूठ तो निरा लोगों को बेवकूफ बनाने की आ गल चली जाती है। ये 12,000 करोड़ रुपया जिहड़ा इन्होंने चक्या है, यह थोनू आके फिर कहणगे सुनील जाखड़ तो गुमराह कर रहे, असी तो 12,000 करोड़ रुपया पंजाब के विकास वास्ते, डिवेलपमेंट के कामों वास्ते, हस्पताल बनाने वास्ते चक्या, उहदे ते भी गल कर लीए। आंकड़े फिर मैं उतों सरकारी आंकड़े दस रहे जिहड़े इन्हां दे अकाउंटेंट जनरल के आंकड़े, उस 12,000 करोड़ रुपये चो इन्होंने यह 120 दिनों के अंदर 4 महीनों के अंदर सिर्फ 900 करोड़ रुपये
किसी अंसारी के कम के उत्ते लाए, बाकी सारा पैसा धूआ कर पैना, करजा थोड़े मेरे सिर चढ़ना, करजा थोड़े मेरे सिर चढ़ना, भगवंत मान जी तो नहीं चढ़ना, केजरीवाल साहब तो नहीं चढ़ना, आ थोड़े मेरे सिर से थोड़े जवाकों के उत्ते, जो बच्चे जवाक एक महीने का एक दिन का बच्चा है वो नाम के तकरीबन 3 करोड़ की आबादी मन के मैं चल रहा हूँ, हरेक के उत्ते आ जरा इन्होंने करजा चढ़ाया है। हम गवर्नर साहब पूछना तो की कर इस साल के अंदर आ जो फाइनैशियल ईयर है ये अंदर आ जी रफ्तार इन्होंने रही, मैं तो थोड़ा 4 महीनों की गल दसी है, होर 2-4 दिनों जुलाई के आखिर तो लैके हूँ तीन आंकड़े भी आ जाने हैं, यह रफ्तार इन्होंने रही तो पंजाब सरकार ने इस फाइनैशियल ईयर के अंदर मार्च के आखिर तीन करीबन 35,000 करोड़ रुपया उधार होर चक लेना, 35,000 करोड़ रुपया, 34,000 करोड़ पिछले साल चक्या, 35 हूँ चक लेना। यह मायना आ होया जदों तई इन्हों की सरकार का 5 साल का वक्फा खत्म होगा, हरेक बंदे पंजाब के उत्ते करीबन 1,75,000 करोड़ रुपया टोटल पंजाब के उत्ते करजा चढ़ी, 1,75,000 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर इस रफ्तार रहा, जे अगर होर ना इन्होंने स्पीड बढ़ ली 1,75,000 करोड़ रुपया इन्होंने पंजाब से चढ़ा देना, मायना है हरेक पंजाब के छोटे बच्चे तो लैके महीने के एक दिन के जवाक तो लैके बुजुर्ग तई 60,000 करोड़ रुपया करजा हरेक पंजाबी के सिर के उत्ते चढ़ जाना है। आ काम जिहड़ा है जदों इन्होंने सरकार बनाई मार्च के अंदर उदों पंजाब के अंदर कुल करजा 2,82,000 करोड़ रुपया से, आ 2,82,000 करोड़ रुपया जिहड़ा है आ जदों दा पंजाब बनया तुसीं देख लो 57-58 साल बाद जिहड़ा पंजाब है, जिहड़ा काम बाकी सरकारां ने रल के 57 या 60 साल च नहीं किया वह काम आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल च करन दा टीचा इन्हां ने रखे, एक पासे 57 साल का रिकॉर्ड है 2,82,000 करोड़, इन्हों मेरे शेरां ने 5 साल के अंदर 1,75,000 करोड़ का करजा थोड़े से चाढ़ के जा बढ़ने, वो बाद भुगतूगा कौन, साढ़े लोग भुगतणगे। एक गल मैं होर, क्योंकि जिस मसले के अंदर गवर्नर साहब नूं चिट्ठी लिखनी पई तो कहणगे वी सुनील जाखड़ तां गल दसदा नहीं, इन्हां ने गवर्नर साहब नूं चिट्ठी पाई उहदे विच कहा जी तुसीं साढ़े 5,718 करोड़ रुपये के करीब सीगा जिहड़े कहिंदे 5,700 करोड़ रुपया सानूं केंद्र सरकार तों लै के दिओ, साडा उधर बकाया खड़ा। देखो किड्डा मजाक कोझा मजाक लोगों नाल कर रहे, भगवंत मान जी की सरकार ने आ नहीं दस्या भी केंद्र सरकार तो 7,000 करोड़ रुपया चाहे वह ग्रांट इन एड है, चाहे वह सेंट्रल स्कीम के तहत है, चाहे वह 15वें वित्त कमीशन के जेडे इन्हों डिफिजिट की ग्रांट रेवन्यू डिफिजिट की ग्रांट मिलनी सी 7,000 करोड़ रुपया सेंटर गौरमेंट का, उस तो सिर्फ 3,000 करोड़ रुपये के करीब इस्तेमाल कर चुके, 4,000 करोड़ रुपया इस्तेमाल नहीं कर सके। पुछो मेरे तो क्यों, क्योंकि वो सरकारी जी केंद्र दकीम जो रुपया खर्च होना है तो वो 10 पैसे 20 पैसे पंजाब सरकार से लगते, 80 पैसे केंद्र सरकार दी, इन्होंने वो पैसे है जोड़े लाते नहीं, क्योंकि वह जोड़ा पैसा 1,200 करोड़ रुपया तो आपके इश्तहारा लाई बैठे, जे 1,200 करोड़ रुपये केंद्र की स्कीम पा के अपना हिस्सा ले लैन तो घट्टो घट आप जो 4,000 करोड़ बकाया पे आ इस्तेमाल हो जाए, पर नहीं गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है, क्योंकि जेड़ा पैसा रुकिया पे कि आम आदमी क्लीनिक बनानी है, सरकार के जेडे नॉर्म्स है जेडे कायदे कानून है उन्होंने तो तोड़ के सिर्फ बल्ले बल्ले वही वही लैन वास्ते आ जेड़ा पंजाब का नुकसान आ लोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं फिर तो गवर्नर साहब का धन्यवाद करता, मैं इन्ना ही थोनों कहूँगा साथियों, यह सारा कोई मैं किसी को भाषण देने या कोई लैक्चर देने या सेध देनी है, सवाल पूछिए, जागरूक होइए, क्योंकि पिंडां दी सत्ता च जिवें कहावत है जिहड़े सुते पए है उन्होंने कट्टे जमदे, आपां जागरूक होवांगे, आपां सवाल पूछांगे, क्यों गवर्नर साहब नूं लोड़ पई, आपां पूछिए सवाल कर की रहे हो पैसे, यह जिहड़े इश्तहारा नाल भर रखे है सारी सड़कां पंजाब दीआं, पैसा किहदा, पैसा थोड़ा मेरा है, केजरीवाल साहब नूं भारत दर्शन करवा रहे हैं, पैसा किहदा, थोड़ा मेरा है, आई 50,000 करोड़ रुपया जिहड़ा साल गवर्नर साहब ने मंगिया। साथियों जागरूक हो, आओ अपने हितों के उत्ते आपां नूं आप पहरा देना पऊगा, इस करके मैं तुहानूं सारे नूं खेचल दित्ती है, तुहाडे सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।